हॉर्लिक्स और नेटवर्क 18 लेकर आए हैं मिशन पोषण भविष्य रोशन। यूक्रेन की राजधानी कीव में एक इमारत के बाहर सुरक्षा बल के दो जवानों ने एक संदिग्ध आदमी को दबोच लिया और उसे हथकड़ी पहनाने की कोशिश करने लगे। इस आदमी पर आरोप है कि उसने यूक्रेन में रह रहे एक रूसी पत्रकार को मारने की साजिश रची, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका क्योंकि खुफिया एजेंसी की एक स्पेशल टीम ने उसे वक्त रहते ही धर दबोचा। इसके बाद उसे एक कार के बोनेट पर लटाकर हथकड़ी पहना दी गई और सुरक्षा बल के जवान उसे एक नीली वैन में लेकर रवाना हो गए। आरोप है कि रूस के एक पत्रकार आर्काजी बेबचेंको को मारने के लिए उसने कई लोगों से संपर्क किया और पत्रकार की हत्या के लिए उसने भारतीय रुपयों के हिसाब से 2 करोड़ से ज्यादा की सुपारी देने की कोशिश की। इस बीच यूक्रेन ने आरोप लगाया कि गिरफ्तार व्यक्ति ने रूस के इशारे पर पत्रकार की हत्या की साजिश रची, क्योंकि बेबचेंको रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आलोचक रहे हैं और उन्होंने आशंका जताई थी कि रूस उनकी हत्या करवा सकता है। लेकिन यूक्रेन को पहले ही पत्रकार की हत्या की साजिश की भनक लग गई, इसलिए आरोपियों को पकड़ने के लिए उसने नाटकीय अंदाज में बेबचेंको की हत्या की झूठी खबर फैला दी। लेकिन संदिग्ध आरोपी के पकड़े जाने के बाद बेबचेंको खुफिया एजेंसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच गए। उन्हें जिंदा देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। बेबचेंको ने जानकारी दी कि खुफिया एजेंसी के कहने पर ही वो अपनी मौत के नाटक में शामिल हुए। इसके लिए उन्होंने अपने परिवार और यूक्रेन के लोगों से माफी भी मांगी। उनके जिंदा होने की खबर टीवी के जरिए मिलने पर उनके साथ काम करने वाले लोग खुशी से उछलने लगे। इस दौरान उनकी कुछ महिला सहयोगी खुशी से रोती भी नजर आईं। हालांकि रूस ने बेबचेंको की हत्या की किसी भी साजिश से इनकार किया। त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देब ने केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का फिटनेस चैलेंज स्वीकार किया। त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देब ने केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का फिटनेस चैलेंज स्वीकार करते हुए कसरत की। एक भक्त की मन्नत पूरी होने पर सोमनाथ महादेव का 400 किलो आमरस से अभिषेक किया गया। यूपी के आगरा में पैसों के लेन देन को लेकर ऑटो ड्राइवर और सवारी में बीच सड़क पर जमकर मारपीट हुई। यूपी के बलिया में एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र पर फायरिंग कर भाग रहे 3 बदमाशों को गाँव वालों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। यूपी के कन्नौज में बदमाशों की फायरिंग में घायल लड़के को गंभीर हालत में लखनऊ रेफर किया गया। यूपी के अमरोहा में गौहत्या और गौमांस की तस्करी के आरोप में 5 को गिरफ्तार कर पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में गौहत्या में इस्तेमाल होने वाले हथियार बरामद किए हैं। मध्य प्रदेश के शाजापुर में सड़क पर प्रदर्शन कर रही महिलाओं को कुछ पुलिसकर्मी जबरदस्ती वहां से हटाने लगे। ये महिलाएं गांव वालों के साथ पानी की किल्लत के खिलाफ सड़कों पर उतरी, जिसके बाद उन्होंने हाथों में खाली डिब्बे और बर्तन लेकर नेशनल हाईवे जाम कर दिया। जब पुलिस ने उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की तो वो पुलिस से भी भिड़ गईं। जबकि कुछ महिलाओं ने पुलिस वालों पर बर्तनों से ही हमला कर दिया। इसी दौरान एक पुलिस वाले ने जबरदस्ती एक बुजुर्ग को सड़क से हटाने की कोशिश की, जिससे नाराज होकर महिलाएं सड़क पर बैठ गईं और शिवराज सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगी। पानी की खातिर प्रदर्शन कर रही महिलाएं बिना सरकार तक अपनी बात पहुंचाए लौटने को राजी नहीं हुई, जिसके बाद हालात पर काबू पाने के लिए दूसरे थानों से भी पुलिस की टीम बुलानी पड़ी। मौके पर पहुंचे एसपी ने भी प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन महिलाओं ने पुलिस की हर बात को अनसुना कर दिया। इसी बीच एक बस ने जाम से निकलने की कोशिश की तो महिलाएं उसके आगे बैठ गईं। वहीं दूसरी ओर कुछ महिलाएं एक ट्रक के पास पुलिस वालों से भिड़ गईं। प्रदर्शन की वजह से सड़क के दोनों ओर करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिससे लोगों को काफी मुश्किल हुई। गांव वालों का आरोप है कि घर में नल लगवाने के नाम पर उनसे हजार रुपए लिए गए, लेकिन एक साल बीतने के बाद भी न तो नल लगे न ही पानी की समस्या दूर हुई। वाराणसी के बाबतपुर में एक निर्माणाधीन पुल गिरने से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि पुल बनाया जा रहा था और इसी दौरान पुल का एक हिस्सा गिर गया। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन इससे पहले भी 15 मई को एक पुल का हिस्सा गिर गया था और इसमें कई लोगों की दबकर मौत हो गई थी। शिमला में जेल के पास बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हिमाचल परिवहन निगम की बस खाई में गिर गई है। इस हादसे में 10 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 20 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए। ये बस शिमला से टिक्कर जा रही थी। मौके पर पहुंची पुलिस राहत और बचाव के काम में जुट गई है। घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
जर्मनी में एक शॉपिंग मॉल के फर्श पर पानी आते देख वहां आए लोग एस्केलेटर से पहली मंजिल की तरफ भागने लगे। वहां के नॉर्थ राइन इलाके में बादल फटने और तूफान आने से कई शहरों में पानी भर गया, जो इतनी तेजी से आया कि कई जगह तो लोगों को कुछ समझने का मौका तक नहीं मिला। एक शॉपिंग मॉल में तो इतनी तेजी से पानी भरने लगा कि लोगों को एस्केलेटर की मदद से पहली मंजिल पर जाना पड़ा। देखते ही देखते इस शॉपिंग मॉल के कई हिस्सों में पानी भर गया। सड़कों पर भी इतना पानी भर गया कि गाड़ियां और बड़ी बस भी आधी डूबी हुई दिखने लगी। तेज बहाव में फंसे एक सवार ने बड़ी मुश्किल से अपनी मोटरसाइकिल बहने से बचाई। जर्मनी के नॉर्थ राइन इलाके के कई शहरों में ये हालात तब बने जब अचानक बादल छा जाने से आसमान गहरा नीला दिखने लगा। इसके बाद जबरदस्त बारिश हुई। इस दौरान जर्मनी के डुसेलडॉर्फ शहर में बिजली गिरने का एक वाकया कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। उत्तर प्रदेश के गोपाल मऊ से बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने फेसबुक पर कविता के जरिए अपनी ही सरकार और आरएसएस पर निशाना साधा है। फेसबुक पर बीजेपी के विधायक ने लिखा कि पहले गोरखपुर, फूलपुर, अब कैराना और नूरपुर में बीजेपी की हार से वो दुखी हैं। आरएसएस और संगठन पर हमला करते हुए श्याम प्रकाश ने हमला करते हुए लिखा कि आरएसएस संगठन के हाथ लगाम है और इसलिए मुख्यमंत्री योगी भी असहाय है। इसके अलावा अधिकारी और भ्रष्ट है और इसलिए जनता और विधायक भी अब भ्रष्ट है। ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव है, व्यक्तिगत विचार है और जो मुझे दिखाई पड़ रहा है आज समाज में या प्रदेश में, वो बात हमने अपनी व्यक्त की, अपनी भावनाएं। सरकार तो स्वयं आईना देख रही है चारों परिणामों से और सरकार को गंभीर मंथन मंथन करके जो स्थिति बिगड़ चुकी है प्रदेश में उसको ठीक करना चाहिए। कई बार बात हुई है नेतृत्व से, प्रदेश और जनपद स्तर पर पार्टी नेतृत्व से बात हुई है, मगर कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई अभी तक। सरकार को हम क्या सुझाव देना चाहें, तो वहाँ तो बड़े बड़े थिंक टैंक बैठे हैं पार्टी में, वो स्वयं सोच के और उचित निर्णय लें जिससे पार्टी का हित हो और आगे पार्टी का नुकसान ना हो, यही सुझाव है। औरंगाबाद दंगों में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 11 मई को हुए दंगे में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर दावा किया कि ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए दंगे में इस्तेमाल के लिए हथियार मंगाया गया था। मुंबई से सटे मीरा रोड के एक अस्पताल में मरीज की मौत से खफा लोगों ने अस्पताल में तोड़फोड़ और कर्मचारियों से मारपीट की। बारामूला में 8 साल के बच्चे को मदरसे में उल्टा लटका कर पीटने वाले मौलवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गाजियाबाद के इंद्रपुरम में सोसाइटी की 7वीं मंजिल से गिरकर घायल हुए 6 साल के बच्चे की इलाज के समय मौत हो गई। गुजरात के वडोदरा में एक गैरेज से करीब 1 करोड़ के 1000 और 500 के पुराने नोटों के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बिहार के छपरा में क्लासरूम के अंदर एक छात्र अपनी जेब से पैसे निकालकर वहां मौजूद शिक्षकों को देने लगा। आरोपी की राम जयपाल कॉलेज में स्नातक परीक्षा में छात्रों से नंबर के बदले पैसे लिए गए, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद कॉलेज में हड़कंप मच गया। दावा है कि ये वीडियो वहां मौजूद छात्रों में से एक छात्र ने अपने मोबाइल से बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो वायरल हो गया। इस वीडियो में साफ दिखा कि शिक्षक बारी बारी से छात्रों को बुलाकर उनसे अवैध वसूली कर रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति ने कार्रवाई का दावा किया। प्रतीक्षा का समय समाप्त हो गया और केवल दंड द्वारा ही अब ठीक होगा। कुलपति ने वीडियो की जांच के आदेश दे दिए हैं, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर सख्त कार्रवाई का दावा किया गया। बिहार के वैशाली में 2 गुटों की झड़प के दौरान एक गुट ने विरोधी गुट के घर में आग लगा दी, जिसके बाद उनका घर धू धू कर जलने लगा। पीड़ित परिवार का आरोप है कि आग लगाने वाले लोग राजनीतिक रसूख का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। हालांकि इस दौरान आसपास के लोगों की भीड़ भी यहां जुट गई। जहां से वो जीतते हैं वहीं बगल में जाते हैं कार्यक्रम में, जहां 25 दलित के घर को जला दिया जाता है एक जाति विशेष के लोगों के द्वारा। मैं पूछना चाहता हूं तेजस्वी यादव से कि रोहित मेमूला पर आंसू बहाते हैं और अपने क्षेत्र में जहां से ये विधायक हैं वहां दलित का घर जलाया जाता है, एक जाति विशेष का लोग जलाते हैं, इसलिए वो नहीं जाते हैं। तो दलितों से कितना प्यार है इससे आप झलकता है। बिहार के किशनगंज में वेतन नहीं मिलने से नाराज टीचरों ने जिला शिक्षा अधिकारी के दफ्तर पर ताला जड़कर उन्हें बंधक बना लिया। दावा किया गया कि जिले के करीब 2000 नियोजित शिक्षकों यानी कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए टीचरों को 13 महीनों से वेतन नहीं मिला, जिससे नाराज इन टीचरों ने जिला शिक्षा अधिकारी के दफ्तर पर ताला जड़ दिया और हंगामा करने लगे।
हंगामा कर रहे लोगों ने शिक्षा अधिकारी के साथ दफ्तर में मौजूद कुछ पुलिस वालों को भी बंधक बना लिया और वेतन की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। गुस्साए टीचरों ने राज्य की नीतीश सरकार के खिलाफ भी अपना गुस्सा जाहिर किया। पुलिस वालों के काफी समझाने के बाद भी नाराज टीचरों ने उनकी एक नहीं सुनी और अपनी मांगों पर अड़े रहे, जिसके बाद बंधक बनाए गए शिक्षा अधिकारी ने टीचरों को बातचीत के जरिए मनाने की कोशिश की। शिक्षा अधिकारी की अपील के बाद कुछ टीचर दफ्तर के अंदर चले गए, जहां उन्होंने अपनी मांगों को लेकर एक शिकायत लिखकर शिक्षा अधिकारी को सौंप दी। गुस्साए टीचरों ने बकाया वेतन के मसले पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए राज्य के शिक्षा मंत्री पर भी धोखा देने का आरोप लगाया। अभी हमारे शिक्षा मंत्री का बयान था, दुर्गा पूजा से पहले शिक्षकों को वेतन भुगतान होगा, शिक्षा मंत्री पे बंदी का लोटा बना हुआ है। शिक्षा अधिकारी से भरोसा मिलने के बाद धरने पर बैठे टीचरों ने दफ्तर पर लगा ताला हटा लिया। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जितनी भी उसमें बातें हमने लिखी और दस्तखत करके दिया है, उसका अनुपालन हम उस समय अनुसार निश्चित करेंगे। प्रदर्शन खत्म करने के बाद टीचरों ने मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी। राजस्थान के जोधपुर में एक मकान में सैकड़ों चमगादड़ों के डेरा जमा लेने की वजह से दहशत फैल गई है। केरल में फैले निपाह वायरस के हुई मौत के बाद अब जोधपुर में एक साथ इतने चमगादड़ों को देखकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली गई है, जिसमें शहर में निपाह वायरस फैलने का डर जताया गया है। सोशल मीडिया पर डाली गई इस पोस्ट में मकान में सैकड़ों चमगादड़ों के बसेरा बना लेने का जिक्र करते हुए नगर निगम से कार्रवाई करने की भी अपील की गई है।